माड़ी के धारूहेड़ा में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। धारूहेड़ा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। शाम को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राजस्थान से आने वाले पानी के बारे में दिशा निर्देश देंगे। और इससे पहले जड़थल और संगवाड़ी में उन्होंने जनसमस्या जो है वो सुनी थी। बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आपको दे रहे हैं, जहां पर धारूहेड़ा में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है। धारूहेड़ा में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, लोगों की समस्या सुनेंगे मुख्यमंत्री। शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान से आने वाले पानी के बारे में दिशा निर्देश भी देंगे। इससे पहले जड़थल और संगवाड़ी में भी उन्होंने जनसमस्या जो है वो सुनी थी। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम। अब दो तस्वीरें आप देखिए, जड़थल रेवाड़ी की है और दूसरी संगवाड़ी रेवाड़ी की। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही जनसमस्या भी सुनते हुए वह नजर आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सारा पानी सिंचाई में काम आ जाए, और जो जमुना का पानी है पीने के लिए, जमुना का पानी सीधा आए। हम यहाँ तक भी सोच रहे हैं, जब तक बनेगा तब तक जो अच्छा रास्ता है, जो पहले से ट्यूबवेल का चल रहा है तो या तो उसका चलाए, और बिल्कुल भी खराब होगा तो उसकी टेस्टिंग करा के आपको चाहे टैंकर से पानी देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा गाँव नहीं, वो भी दे देंगे, चिंता मत करो। पीने का पानी आपको ठीक मिलेगा, लेकिन बाकी मान लो घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, या पशुओं के लिए है, या और जो जरूरत होती है, वो दूसरे पानी का उपयोग करो। पीने का पानी इनको साफ मिलना चाहिए, चिंता करो। आगे पीछे घूमना पड़े था और गठरी बांध के नोटटांगी ले जानी पड़े थी। अब ये खुश होने की बात नहीं है, ये उस समय की सरकारों के खिलाफ शर्म की बात है। क्या आज भी कोई पैसा देना पड़ता? आज कितने लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर लगी? ऐसे 25 लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर आपके कदमों में लगी है, जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 20 स्टेट गवर्नमेंट के। 25 का भी पैसा किसी का लगाओ, आपने को बैठा हो या किसी का रिश्तेदार लगा हो इन 7-8 सालों में, बताओ। लेकिन हमने जो कहा सो किया। केंद्र में पिछले 8.5-9 साल से, बल्कि अब तो 9 से भी ज्यादा हो गए हैं, मई में 9 साल हो गए थे, 9.25 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चल रही है। इन 9 सालों में जो विकास के काम हैं वो तो बहुत किए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने नहीं किए होंगे, सरकार आती है कुछ हो तो करती है, लेकिन मैं तो उस मुकाबले को बता सकता हूँ कि हमारे ये 8.5-9 साल और उनके 10 साल, हमने डबल काम किए हैं मित्रों, डबल। किसी भी साइड में निकल जाओ, नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, हर जिला दूसरे जिले के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया।